हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था विद द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कह लो या अकाउंटिंग प्रोसेस कह लो, मैंने उसमें आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग है वो स्टार्ट होती है विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। देन वी मेजर इट इन कॉमन करेंसी, लाइक इन इंडिया वी डू इट इन रुपीज। देन उसके बाद फिर हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्रीज, सेकेंडरी बुक्स लाइक कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक। रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम क्लासिफाई करते हैं सिमिलर ट्रांजेक्शन को एट वन प्लेस, लेजर। फिर लास्ट में हम उसको समराइज करके फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। डेफिनेशन के हिसाब से लास्ट में दो स्टेप्स और हैं जो कि सीनियर लेवल के स्टाफ करते हैं, और वो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उस चीज को समझना जो हमारे अकाउंट्स के रिजल्ट्स आए हैं, हमारे जो प्रीवियस रिजल्ट्स थे, जो प्रीवियस हिस्ट्री थी कंपनी की, उससे उसको कंपेयर करना, समझना, और साथ में लास्ट था कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स, कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कम्युनिकेशन ऑफ समरीज टू द वेरियस यूजर्स। उसमें इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स भी हो सकते हैं। इस बारे में डिटेल में इसी फर्स्ट चैप्टर में बाद में आएगा, मे नॉट बी आज इस आज की इस वीडियो में ना भी आए, लेकिन वो आगे हम अपना कवर कर लेंगे। अब आज जो मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूं वो इस कंसेप्ट से है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो यहां से शुरू हो रहा है, दैट अकाउंटिंग इज एन आर्ट। यहां से हम अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, अकाउंटिंग एक आर्ट है या नहीं? द क्वेश्चन इज वेदर अकाउंटिंग इज एन आर्ट। तो इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि आर्ट क्या होता है। आमतौर पर जब मैंने फेस टू फेस क्लासेस में बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा कि भाई व्हाट इज आर्ट, तो उनमें से कुछ ने तो ये कहा सर आर्ट इज ड्राइंग, ठीक है ना। एक ने बोला सर जैसे साइंस कॉमर्स आर्ट्स होती है वैसे आर्ट होता है। लेकिन एक्चुअली में आर्ट को अगर हम ध्यान से समझें तो किसी भी एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को, कोई भी एक चीज जो हम करना चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए जो टेक्निक है वो आर्ट है। ऑब्वियसली डांस करना भी एक आर्ट है, ड्राइंग करना भी एक आर्ट है। लेकिन मैंने उनसे जब मजाक में कहा तो वो हंसने लगे और इस बात को समझे। यस, मैंने कहा चाय बनाना भी एक आर्ट है। अब मेरे से पूछो मुझे नहीं बनानी आती, ये भी तो एक आर्ट है ना कि भी कितना पानी रखना है अगर आप 3 कप चाय बनाना चाहते हैं, उसमें कब चीनी डालनी है, कितनी चीनी डालनी है, कितनी पत्ती डालनी है, कब दूध डालना है। फिर मैं तो कहूंगा कि वो पैन से उसको कप में जो है डालना भी अपने आप में एक आर्ट है, नहीं तो गिर जाएगा। अगर मेरे ख्याल से मैंने कभी किया नहीं ट्राई, लेकिन अगर मैं करूं तो मेरे से तो गिर जाएगी वो। तो हर चीज अपने आप में एक आर्ट है। सो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आर्ट इज द टेक्निक विच हेल्प्स अस to achieve our desired objectives, right? So art is a technique which helps us, art is a technique which helps us to achieve our desired objectives. जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना, दैट इज एन आर्ट। मैं तो कहूंगा सेल्स भी एक आर्ट है। देखा जाए तो जिंदगी का हर पहलू, हर हिस्सा एक आर्ट है। किसी भी काम को कैसे करना है, उसके अंदर जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो हम रिजल्ट लेना चाहते हैं, अगर हम उस रिजल्ट को ले पा रहे हैं तो एक आर्ट है। सो आर्ट इज ए टेक्निक किसी भी चीज को करने की विच हेल्प्स अस टू अचीव, हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, है ना। टीचिंग भी तो एक आर्ट है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई होप आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगे, तो ये भी एक आर्ट है अपने आप में। हर कोई नहीं पढ़ा सकता, बहुत सारे लोग तो शायद कैमरा ही फेस नहीं कर सकते, या स्टूडेंट्स के एक बंच को फेस नहीं कर सकते, मे बी इंडिविजुअली वो कॉपी में किसी को बैठ के पढ़ा सकते हैं, तो अपने आप में वो भी एक आर्ट है। डॉक्टर अगर आपको ट्रीट कर रहा है तो वो किस तरह से आपको चेक करके जज कर लेता है कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी के अंदर विदाउट एक्सरेज, वो भी तो अपने आप में एक आर्ट है। सो आर्ट इज ए टेक्निक विच हेल्प्स अस टू अचीव आर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो इस सेंस में हम कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे किसके थ्रू, अकाउंटिंग के थ्रू। सो अकाउंटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं
अगर मैं ओनर हूं, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने कुछ पैसा कमाया है, मैंने एक पैसा इन्वेस्ट किया है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आज की तारीख में मेरे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी बिल्डिंग्स हैं, क्या है मेरे पास आज की तारीख में, वो सारी चीजें मैं जानना चाहता हूं। और इसमें मुझे हेल्प कौन करेगा? मेरा अकाउंटेंट। सो इट विल बी अ टेक्निक। आप थोड़ा बहुत अगर अकाउंटिंग जानते हैं, पिछली क्लास में भी मैंने थोड़ा हिंट दिया था, अगर आपने स्कूल्स में पढ़ा तो आप सब जानते हैं कि अकाउंटिंग में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इस तरह से कुछ हमारे पास रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सिस्टम्स हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल है, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक है, लेजर क्रिएट करते हैं, पोस्ट करके ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो ये एक अपने आप में टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी है जो कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड सेम वे में यूज की जा रही है, जिससे हमें हेल्प होती है टू अचीव आवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू नो द प्रॉफिट्स, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। सो आई कैन से दैट अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, सबसे पहले रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग लेजर बनाना एंड समराइजिंग। Summarizing of what? ये सारा recording of what? Classifying of what? Accounting is an art of recording, classifying and summarizing of financial transactions. जो भी हमारी financial transactions हैं, उनको हमें इसके अंदर लेना है, ठीक है? To achieve the desired objective. And what is the objective? मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमारा जो objective है, वो है to know the profit and loss. कि हमारा कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, एंड टू नो आवर फाइनेंशियल पोजीशन। राइट, तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सर्टेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझते हुए, सर्टेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम ये रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। और इस बेसिस पर डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली आई कैन से दैट अकाउंटिंग इज एन आर्ट। राइट, सो दिस मच डिस्कशन इज सफिशिएंट। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उसको आप कॉपी पे लिखने की हमेशा आदत डालें। राइट, और आप में से जो स्टूडेंट्स अगर ये चाहते हैं कि जो मेरे पास कुछ कंप्यूटराइज नोट्स हैं, दूर से तो खैर कैमरे में मैं कितना दिखा पाऊंगा, तो इस तरह से अगर आप नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे दीजिए तो मैं आपको जो है कॉल करवा के अपने स्टाफ से आपको ईमेल करके ये नोट्स दे सकता हूँ। ये फ्री है, इसके लिए मैं कोई आपसे चार्जेस नहीं ले रहा हूं, जैसे वीडियोस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, इसी तरह से मेरे असाइनमेंट्स भी, जो भी मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो मेरे स्टूडेंट्स को मिले। एक चीज, जब एक चीज करी ली है तो क्यों ना स्टूडेंट्स उसका बेनिफिट लें। तो आप असाइनमेंट्स के लिए भी जो है हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वैसे जो हमारी वेबसाइट है nishulkshiksha.com, ठीक है ना, मैं हर वीडियो के एंड में उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो nishulkshiksha.com जो हमारी वेबसाइट है, उस पर आपको ये मेरे सारे असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे। आपको फोन करके मेहनत करने की भी जरूरत नहीं, आप वहां से सिंपल डाउनलोड करके उसको प्रिंट कर लें। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अकाउंट्स साइंस है क्या, मींस वेदर अकाउंटिंग इज अ साइंस। एक्चुअली पूरी हेडिंग जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ये कि वेदर अकाउंट्स इज एन आर्ट और अ साइंस। हम अकाउंटिंग एज एन आर्ट पर डिस्कशन कर चुके हैं, हमारा जो अब नेक्स्ट डिस्कशन है वो है अकाउंटिंग एज ए साइंस। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा व्हाट इज साइंस। देखिए, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, ब्रीफ में हम इसको डिस्कस करेंगे। साइंस को मैं बोलता हूं कि साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस में तुक्केबाजी नहीं होती, राइट? साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स। नहीं, आप इन बातों से सहमत होंगे दैट साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस में जो कुछ भी होता है, आप सब लोग भी आज अगर 11th में अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो 10th तक आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने कुछ अपने रूल्स डेवलप किए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं साइंस ने।
जो कि लैब में या रियल लाइफ में टाइम एंड अगेन टेस्ट करके प्रूव किए गए और उसके बाद वो चीज निकल के आई है। तो इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज एंड इट इज बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनके ऊपर साइंस बेस्ड करती है, राइट? आप सब इस पे एग्री करते हैं। सो अगर हम अकाउंट्स को देखें तो डेफिनेटली अकाउंट्स भी इसी सेंस में, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स लायबिलिटीज, बैलेंस शीट बना के जो हम जज करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमें एक पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। हमें जर्नल या सब्सिडरी बुक्स लिखनी पड़ती हैं, चाहे हम कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर की हेल्प से करें, हमें एक लेजर बनाना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस के होते हुए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तक पहुंचते हैं। तो अपने आप में अकाउंटिंग भी एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। मैं आपको किसी भी बुक से पढ़ाऊं, आपके पास अकाउंट्स की कोई भी बुक हो, सेम लिखी हुई है, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, किसी फिल्म में कोई कहानी है, किसी फिल्म में कोई कहानी है, अकाउंटिंग की सभी बुक्स 99% मैं बोलूंगा सेम होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वेल एस्टैब्लिश्ड है, उसमें आप कोई वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। जो चीज बन चुकी है वो चीज बनी हुई है, उसके अंदर आपने सिर्फ उस चीज को स्टडी करना है, दैट इज द कंसेप्ट। तो क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, सिस्टमैटिक नॉलेज है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, सालों सालों से है, आप समझिए आज मेरी एज, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एज ऑन दिस डेट आई एम 42, तो अब जब मैं 42 का उल्टा 24 कर दूं या और पीछे भी चला जाऊं, तब भी जो अकाउंट्स की बुक्स थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी, कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स का जो लॉ है, मैं कहूंगा अकाउंटिंग का जो सिस्टम है, वो अब एक साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज में कन्वर्ट हो चुका है। माइनर इंप्रूवमेंट्स आ रही है रिपोर्टिंग के सेंस से, बाकी मोर ऑर लेस कंसेप्ट सही है, एंड इट इज बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड, ये प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं, अब इनमें वेरिएशंस नहीं है, चेंजेस नहीं है। सो इन दिस वे आई कैन से That accounts is also a science. तो यहां पर मैं अपने डिस्कशन को कंक्लूड कर रहा हूं, और वो ये कि हम अकाउंटिंग को डेफिनेटली आर्ट भी कह सकते हैं और अकाउंट्स को हम डेफिनेटली साइंस भी कह सकते हैं। सो द कंक्लूजन इज दैट अकाउंटिंग इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस, राइट? चलिए उसके बाद अगर हम बुक्स की सीक्वेंस में चलें, तो आपके बुक्स में दिया हुआ है अकाउंटिंग प्रोसेस। देखिए अकाउंटिंग प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस मैं आपको एक तरह से पहले ही सिखा चुका हूं। हमने करना क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, कॉमन मेजर यूज करते हुए रुपीज का हमने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद लेजर बनाना है, रिकॉर्डिंग इज बेसिकली जर्नल, देन उसके बाद हमने बनाना है लेजर। मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, सिमिलर ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करके लेजर बनाया, फिर हमने बनाई फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का मतलब हो गया आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई। तो बेसिकली यहां पर अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर जब अकाउंट्स बन जाते हैं तो उनका एनालिसिस होता है, और उसके बाद उसकी हम कम्युनिकेशन कर देते हैं यूजर्स को, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो मैनेजमेंट है और चाहे जनरल पब्लिक है, हम अपनी कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। सो अगर हम अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करें, पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया, कॉमन इंडिया में अगर हम बात करें इंडियन करेंसी, लोकल करेंसी रुपीज में मेजर करके रिकॉर्ड किया, लेजर बना के फाइनल अकाउंट्स बनाए, और उसके बाद सीनियर स्टाफ में एनालिसिस इंटरप्रिटेशन किया, और जिनको भी उन इंफॉर्मेशन की जरूरत है उनको वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की गई। बस इतना है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने अकाउंटिंग डेफिनेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, इसलिए आज मैं अकाउंटिंग प्रोसेस पे आपको इतना ही बता रहा हूं। अब हम बढ़ेंगे इससे आगे। नेक्स्ट अगर हम चलें आपके पास, तो अब हमारे पास डिस्कशन आ जाता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की, तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले हमारे पास तीन डिस्कशन है इसके अंदर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दैट मींस ऑल आई कैन से
कि अगर हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे पहला आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा हमारा आएगा इसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी, ये तीन चीजें आपके सामने निकल के आ रही हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है जो हम पढ़ रहे हैं? बेसिकली फाइनल अकाउंट्स बनाना, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस को जज करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दिस इज इन आवर सिलेबस। कॉस्ट अकाउंटिंग अभी मैं समझाऊंगा आपको ब्रीफ में, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ब्रीफ में समझाऊंगा, हमारे सिलेबस में नहीं है। ऑब्वियसली अभी आपने कॉमर्स एक तरह से पढ़ना शुरू किया है तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिखाई जाती है जो कि बेस होता है भाई। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहले रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करके फाइनल अकाउंट्स बनाना तो स्टूडेंट सीखे। कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा सा एक हायर स्टेजेस की स्टडीज कह सकते हैं। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद, और यू कैन से इज कनेक्टेड विद प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो क्या कर रही है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रही है और उनको क्लासिफाई करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, यानी कि वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके भी अपने बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इससे हमें पता चलता है कंपनी की क्या पोजीशन है, हमारे पास कितने पैसे हैं, ओवरऑल कंपनी कहां स्टैंड करती है। अकाउंट्स को दिखा के ही बैंकों से लोन मिलते हैं, लोगों का जो मैं कहूंगा कॉन्फिडेंस बनता है कंपनी के ऊपर। सो फाइनल अकाउंट्स इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं, यानी हमने अपने आप को एक कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, तो फाइनल अकाउंट्स बनाना, चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसको साइन करा के गवर्नमेंट को सबमिट करना, ये सब चीजें तो ऑलमोस्ट कंपल्सरी हो जाती हैं फिर। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फाउंडेशन ऑफ द होल अकाउंटिंग प्रोसेस। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कनेक्टेड विद प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। लेकिन कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट्स एनुअल बेसिस पर बनाए जाते हैं, तो टू सम एक्सटेंट अपने आप में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही अकाउंटिंग हो ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे एरियाज होते हैं, राइट? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक स्कूल के अंदर अकेडमिक्स होते हैं, क्लासेस होती है ना, जैसे अब आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो स्कूल में आपकी अकाउंट्स की क्लासेस हैं, बिजनेस स्टडीज है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, सब पढ़ाया जा रहा है ना आपको। लेकिन क्या स्कूल का मतलब सिर्फ ये चार या पांच सब्जेक्ट पढ़ाना है? आप लोग नहीं सर, फिर और क्या होता है स्कूल में? तो सर स्पोर्ट्स भी होते हैं, स्कूल में कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, नहीं स्कूल में तो बहुत कुछ होता है ना। एक लाइब्रेरी भी होती है साइंस के अंदर, देखो या अदरवाइज देखो तो कंप्यूटर लैब्स भी होती हैं। तो कहने का मतलब है बहुत सारे और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको अचीव करना होता है। तो इसलिए स्कूल की एक्टिविटीज को सिर्फ एकेडमिक्स तक मानना सही नहीं होता, और भी चीजें हैं। ऐसे अकाउंटिंग में मेन क्या है? मेन तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अब एक और एग्जांपल आपको बोलते बोलते मेरे दिमाग में आया। अब जैसे हम खाना खाने बैठते हैं तो मेन जो हमारा स्टमक है, जो हमारी भूख है, वो किससे मिटती है? वो चपाती चावल सब्जी से मिटती है। लेकिन क्या सिर्फ हमेशा हम सिर्फ वही खाते हैं? नहीं, हम सैलड्स भी लेते हैं, समटाइम्स हम फ्रूट्स भी लेते हैं, दिन के अलग टाइम पे हम मिल्क भी लेते हैं, सब चीजें है ना। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अलग अलग, ब्रॉडली सारा कुछ खाना कहलाता है। ऐसे ब्रॉडली सारा एक्टिविटीज जब आप स्कूल में जा रहे हैं स्कूल कहलाती है, लेकिन उसके अलग अलग हिस्से हैं। ऐसे ब्रॉडली हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो अकाउंटिंग है, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो कंसर्न है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के फाइनल अकाउंट सबमिट करने तक है। इसीलिए दो और ब्रांचेस हैं, मैं ये कहूंगा देयर आर टू मोर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग व्हिच हैव बीन डेवलप्ड, राइट? अकाउंटिंग की दो और ब्रांचेस डेवलप हो चुकी हैं। वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग, द अदर इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट। देखिए, सपोज मेरी कंपनी ये व्हाइट बोर्ड मार्कर बनाती है। अभी मेरे हाथ में जो है ये कैमलिन मार्कर पेन करके एक कंपनी है जिसका मैं मार्कर यूज कर रहा हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। सपोज मेरी कंपनी है एनजीपीए और मैंने सोचा कि मैं भी एक पेन बनाऊ एनजीपीए मार्कर पेन, राइट? अब मार्केट में ये पेन मुझे आइडिया नहीं कितने का है, से 25-30 रुपीज का ये एक मार्कर पेन आता होगा।
अब मुझे ये देखना है कि भाई मैं इस प्रोडक्ट को अगर बनाता हूं तो मैं कितने में सेल करूं इसको शॉपकीपर को, क्योंकि कंपनी ज्यादातर कस्टमर को डायरेक्ट तो सेल करती नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं शॉपकीपर को, होलसेलर को, डीलर को कितने में दूं कि वो आगे ये चीज मार्केट में बेच सके। और अगर मैं नया एंट्रेंट हूं, इफ आई एम न्यू एंट्रेंट, तो मुझे थोड़ा प्राइस भी लो रखना पड़ेगा। अब मुझे देखना है कि सपोज ये मार्कर मार्केट में 25 रुपीज का बिकता है, तो हो सकता है कि मुझे अपने डीलर को ये मार्कर से 18 रुपीज में देना हो, ताकि उसको और आगे सबको एक एक दो दो रुपए पर पीस, होलसेल होता है तो कम मार्जिन में भी लोग काम करते हैं, मार्जिन मिले। शॉपकीपर जिसने अल्टीमेटली कस्टमर को बेचना है उसको भी मार्जिन मिलना चाहिए। अब अगर कोई चीज मुझे 18 रुपीज में बेचनी है तो डेफिनेटली वो मेरे घर पे से 15 रुपए या 14 रुपए, 13 रुपए, है ना, ये मुझे कॉस्ट करनी चाहिए बनाने में 13 रुपीज, 14 रुपीज, तभी तो मैं 18 रुपीज में बेच के पर पीस कमाऊंगा। अगर मैं चीज 18 में बेच रहा हूं, मेरे घर पे ही वो 20 रुपए की पड़े, तो मेरे को तो लॉस हो जाएगा। सो मुझे करना क्या होगा, आई हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट, आई हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। नहीं, अगर मैंने कोई चीज मैन्युफैक्चर की है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, तो मुझे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। सपोज मैं एक ट्रेडर हूं, ट्रेडर का काम तो क्या होता है, माल खरीदा और आगे बेच दिया, उसके लिए तो लाइफ सिंपल है। जैसे मैंने कहा सपोज आई एम ए ट्रेडर, तो उसके लिए तो लाइफ सिंपल है, उसने एक चीज खरीदी और आगे बेच दी, उसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, उसको तो पता है भाई इतने ही खरीदी है तो इससे ऊपर ही बेचना है तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। बट जो एक मैन्युफैक्चरर होता है, थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा एक मिनट के लिए बात को समझने के लिए, उसको पहले एक फैक्ट्री लैंड लेनी है या बनी बनाई फैक्ट्री खरीदनी है, फिर मशीन्स उसने लगानी है, हो सकता है मशीन्स इंडिया की हो, इंपोर्टेड हो, उसको हैवी कमर्शियल पावर लेनी है, लेबर अपॉइंट करनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस को मेजर करते हुए फिनिश गुड्स को स्टोर करना है, फिर प्रोडक्ट को बेचने के लिए एफर्ट करनी है। एक मैन्युफैक्चरर को तो बहुत काम करने पड़ते हैं, तब जाके उसका प्रोडक्ट बिकता है। अब उस सारी कैलकुलेशन को तो चलो कोई आदमी कर ले, लेकिन पर पीस निकालना थोड़ा मुश्किल काम होगा। आप सोच के देखिए, अब मैंने सपोज 3 करोड़ की फैक्ट्री ली हुई है, 80,000 पर मंथ मान लेते हैं मेरी फैक्ट्री के अंदर पावर का बिल है, 8 वर्कर्स, 10 वर्कर, मैं छोटे लेवल पे बात कर रहा हूं, सपोज 20 वर्कर मेरे पास काम करते हैं जिनकी 1.5 लाख रुपए महीना सैलरी है, एक उनका सुपरवाइजर भी है, एक मेरा ओवरऑल मैनेजर भी है, अकाउंटेंट भी है, कहीं ना कहीं अकाउंटेंट की सैलरी भी तो उसी पे पड़ेगी ना, टोटल कॉस्ट मुझे कैलकुलेट करनी है। तो ये सारा काम जो है वो करती है कॉस्ट अकाउंटिंग। जब तक जो चीज मैं बना रहा हूं उसकी मुझे टोटल कॉस्ट नहीं पता होगी, मैं उसका प्राइस कैसे डिटरमिन करूं? और पता लगा जैसे मैंने कहा कोई चीज मैं बेच रहा हूं 18 में और घर में उसको बनाने में मुझे 20 रुपए कॉस्ट पड़ रही है, तो मैं तो लॉस में चला जाऊंगा एट द एंड ऑफ द ईयर। जब फाइनल अकाउंट्स बनेंगे तो उसमें रिजल्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं लॉस, लॉस एंड लॉस। सो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, क्योंकि उनको हर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी होती है। दूसरा, कॉस्ट निकालना ही सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉस्ट को कंट्रोल करना भी एक ऑब्जेक्ट है। अब जैसे मैंने कहा, फिर मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज मुझे इस प्रोडक्ट को बनाना है, अब इसमें क्लिप है, प्लास्टिक है, इसके अंदर इंक है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर लगे हुए हैं जिनको यूज करके ये पेन जो है बनाया गया है। नाउ एज अ मैन्युफैक्चरर मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं हर चीज की क्वालिटी मेंटेन करूं, ताकि जो मार्केट शेयर एक बार मुझे मिल गया वो मेरे हाथ से जाए नहीं। क्वालिटी मेंटेन करते हुए मुझे रॉ मटेरियल जो इसके अंदर लगा है, अब डेफिनेटली इस पेन को बनाने के लिए जैसे मैंने कहा फॉर्म भी यूज हुआ होगा, इंक भी यूज हुई है, प्लास्टिक के क्लिप्स भी हैं, सब चीजें मैंने या तो खरीद के असेंबल की होगी या इनको भी मैं खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हूं अगर, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कैसे इस चीज को देखूं कि जो मैंने कहा सपोज मैंने 18 रुपए में बेचनी है कोई चीज 18 रुपीज में, और उसकी मेरी कॉस्ट घर पे 12 रुपए पड़ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये देखूंगा कि 12 रुपए में भी सर प्लास्टिक 6 रुपए की है, क्लिप्स इसमें 2 रुपए की लग रही है, इंक इसमें 50 पैसे की डल रही है, तो मैं कॉस्टिंग क्या करती है पूरी कैलकुलेट करके देती है, टोटल कॉस्ट भी बताती है और उसकी पार्ट वाइज कॉस्ट भी बताती है। तो वो जब पार्ट वाइज कॉस्ट हमें पता चल जाती है तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज इतने की है, और उसके बेसिस पर हम ये डिटरमिन कर सकते हैं, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस हिस्से की कॉस्ट को अगर हो सके तो कम कर लें। सपोज जैसे मैंने कहा 12 रुपए का पेन टोटल बन रहा है, 6 रुपए की प्लास्टिक लग रही है, तो सबसे मेजर कॉस्ट इस पेन में सपोज 12 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग में 6 रुपए का प्लास्टिक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें ये हेल्प कर रही है बताने में कि सर आपके 6 रुपए तो 12 रुपए में से इस प्लास्टिक में ही लग गए। तो मैं शायद कोशिश करूंगा कि अगर ये प्लास्टिक इंपोर्ट किया जा सके,
या इतना बड़ा हिंदुस्तान है, किसी और स्टेट से रॉ मटेरियल मंगवा के अगर ये कॉस्ट 6 से 5.5 रुपए भी आ जाए, 50 पैसे अगर हमारी कॉस्टिंग बचती है, तो आप मान के चलना सीधा 50 पैसे का प्रॉफिट बढ़ गया। क्योंकि जो चीज हम 18 रुपए की बेच रहे हैं वो तो 18 की ही बिकेगी। अगर कॉस्ट कल में 12 रुपए पड़ रही थी तो 6 रुपए का प्रॉफिट था, अगर वही कॉस्ट 12 से घट के 11.5 आ जाए 11 रुपीज 50 पैसा, तो हमारा प्रॉफिट 6.5 बढ़ गया। सो कॉस्टिंग हमें ना सिर्फ प्राइस डिटरमिन करने में हेल्प करती है, बल्कि साथ में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंप्रूव हो उसमें भी हेल्प करती है। ठीक है, सो आई होप दिस मच डिस्कशन इज सफिशिएंट। कॉस्ट अकाउंटिंग, तो जैसे मैंने कहा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी बीकॉम लेवल में पूरा 100 मार्क्स का एक पेपर होता है, जैसे आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक पूरा पेपर है, ऐसे कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में बहुत डिटेल्ड कंसेप्ट है। बट क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, तो एक ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है। अब हम आगे बढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे। जहां तक सवाल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, हम अभी सब्सिक्वेंट वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, जो भी नेक्स्ट वीडियोस में आएगा, कि अकाउंटिंग के जो यूजर्स हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर हैं, उसमें इंटरनल यूजर्स भी हैं, यानी ऑनर्स। इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आता है? ऑनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। और एक्सटर्नल यूजर्स में तो फिर बहुत सारे आ जाते हैं, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, मनी लेंडर्स हो गए, है ना, जनरल पब्लिक आ गई, कस्टमर्स आ गए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज आ गई फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो अकाउंटिंग सिर्फ मैनेजमेंट पर फोकस करे, मैनेजमेंट को हेल्प करे, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, राइट। जो अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, उस अकाउंटिंग को हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम एक बनाते हैं जिसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। एंड सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, दैट वी प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है मेजर करती है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। ये क्या मेजर करती है? द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, करेक्ट, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश मेजर हो रहा है। अब सपोज कंपनी जो है एक नई मशीन खरीदना चाहती है, एक नया शोरूम खरीदना चाहती है, एम्प्लॉइज को बोनस देना चाहती है, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है डिविडेंड की फॉर्म में, इवन मैं कहता हूं गवर्नमेंट के टैक्स जमा करने हैं, कोई भी काम, पैसा चाहिए ना। फिर से रिपीट करता हूं, कोई नई मशीन खरीदना चाहती है, कोई नया शोरूम खोलना चाहती है, एम्प्लॉइज को बोनस देना चाहती है, टैक्स पे करना चाहती है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहती है, तो कैश फ्लो होनी चाहिए। यू नीड कैश टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होगी? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगी जिसमें यह जज होगा कि हमारे पास इनफ्लो कितना है, पैसा आ कहां से रहा है, कितनी हमारी रिकवरीज ड्यू है, कितनी हमारी कैश सेल्स है, कितनी हमारे जो डेटर्स हैं उनसे हमारे को रिकवरी हो जाएगी। जब तक हमें ये नहीं पता होगा हाउ मच इज द इनफ्लो, हाउ कैन वी टेक द डिसीजन ऑफ आउटफ्लो। जेब में पैसे होंगे, अब आपके पास पॉकेट मनी होगी, तभी तो आप सोचोगे। सपोज आपका फ्रेंड बोलता है यार एक नई फिल्म आई है देखने चलते हैं, आपको पता है कि आज की तारीख में जो थिएटर्स हैं उनमें टिकट ही 150 से 200 रुपए की होती है, समटाइम और महंगी होती है। अगर आप फर्स्ट डेज में जाओ वहां पर आप पॉपकॉर्न खाओगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे, 200 रुपए वो भी कॉस्ट करेगा, आपको पता है 400 रुपए लगने हैं। इट इज एन आउटफ्लो, इनफ्लो भी तो होना चाहिए ना। अगर आपको लगता है कि आपके पास पिछला पैसा बचा हुआ है तो आप जा सकते हैं, आपको पता है आप पापा से पॉकेट मनी मिलने वाली है तो आप जा सकते हैं, आपको पता है पॉकेट मनी छोड़ो मेरे पापा के साथ अच्छे रिलेशन है, मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूं, पापा को बोलूंगा फिल्म देखने जा रहा हूं, मना लूंगा, हो सकता है वो मुझे पैसे दे दे तो भी ठीक है। कोई मेरे को पता है मेरे चाचा जी हैं, मामा जी हैं, ताऊ जी हैं, मामी जी हैं, कहीं से मुझे पैसा मिल जाएगा तो पैसे तो चाहिए ना, है ना। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं चोर के लिए आऊंगा, कहीं से छीन के लिए आऊंगा, वो तो मैं इलीगल डिस्कशन नहीं कर रहा, लेकिन कहने का मतलब है एज ए स्टूडेंट अगर आप कोई मूवी भी देखना चाहते हैं यू नीड मनी ना, तो डिसीजन आपके हाथ में ही कहां है। सपोज आपको लगता है कि आप कुछ भी करके वो 400 रुपए जो फिल्म देखने में खर्च होंगे जनरेट नहीं कर सकते, तो अपने फ्रेंड को बहाना मारोगे आज तबीयत ठीक नहीं है यार, आज पढ़ना है, आज सोना है, आज कोई आ रहा है, आज कोई जा रहा है, कुछ तो करोगे ना आप। डेफिनेटली आपके हाथ में नहीं है वो डिसीजन, आप फिल्म देखने का डिसीजन ले नहीं सकते बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ्लो ऑफ द कैश। इसी तरह से बिजनेस भी डिसीजन तभी ले पाएगा जब उनके पास कैश का इनफ्लो हो। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को वेरियस डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, कौन सी बिजनेस को ओपन किया जाए, किस में आगे बढ़ा जाए। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक हिस्सा बताया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कि उसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है और ये डे टू डे बेसिस पर होता है।
कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो एनुअल बेसिस पर चलती है, लेकिन ये खर्चे तो रोज आते हैं, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो एक तरह से बड़ा क्विक एक्शन होता है। जैसे कहते हैं ना प्लानिंग और स्ट्रेटेजी, प्लानिंग तो हो गया कि हमने पहले से एक चीज प्लान कर ली कि भाई इस काम को हम ऐसे करेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजीज लास्ट मोमेंट पे बनाई जाती हैं कि यार जो चीज हमने प्लान की थी उसके हिसाब से तो नहीं हो रही, इसमें तो वेरिएशन आ रही है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी, जो लास्ट मोमेंट पर हम क्रिएट करके अपना कंसेप्ट मॉडिफाई करते हैं, राइट। सो मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पा रहा हूं कि वो अकाउंटिंग का हिस्सा, या ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का वो छोटा डिपार्टमेंट जो मैनेजमेंट को सिर्फ हेल्प करता है डे टू डे डिसीजन मेकिंग में, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगेन ये भी आपके सिलेबस में नहीं है तो और ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, और इस वीडियो को भी हम यहीं पर कंक्लूड कर रहे हैं। और इस वीडियो में हमने बेसिकली दो चीजें पढ़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग आर्ट है, साइंस है, और दूसरा हमने डिस्कस किए द थ्री ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। आप सबके बेनिफिट के लिए मैं बता दूं कि अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सारी ही वीडियोस और बिजनेस स्टडीज की भी, 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज की वीडियोस भी आपकी इसी वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप लोग मेरी सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना। सो इट इज अवेलेबल एट, ये ध्यान रखिएगा, निशुल्क शिक्षा में लास्ट में डबल ए है। सो www.nishulkshiksha.com आप इस वेबसाइट पे जाइए, आपको अकाउंट्स के 11th क्लास के लेक्चर्स मिलेंगे, इसमें आपको बिजनेस स्टडीज के लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ में मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग की भी कुछ बेसिक आइडियाज दूं। इसमें ऑलरेडी कंप्यूटर के कोर्सेज डले हुए हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह सारे इसके अंदर डले हुए हैं, तो आप इस वेबसाइट को पूरा यूज कीजिए, कुछ आपको पे नहीं करना, सिर्फ आपको पेशेंटली बैठ के वीडियोस को देखना है, अपनी नॉलेज अपग्रेड करनी है। थैंक यू सो मच। कौन सा बटन बंद करना, बंद करो, कोई बात नहीं, मेरे को पूछना चाहिए था आपको, वैसे भी रिलैक्स लेडी, बंद करो उसको।